दोस्तों विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में बहुत से प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा बिडिंग हुई और काफी महंगे प्लेयर्स भी बिके, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको बहुत ही कम प्राइस पर ही टीमों ने खरीद लिया है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड थे बहुत ज्यादा प्राइस पर जाने वाले हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली उनकी प्राइस बहुत कम रही WPL ऑक्शन में और टीम्स ने एक स्टील डील डन करी इन प्लेयर्स को खरीद कर। तो इस लिस्ट में टॉप पर है ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर एलिसा हीली, जिनको मात्र 70 लाख में यूपी वॉरियर्स की टीम ने खरीद लिया है। इसके बाद दूसरी प्लेयर है न्यूजीलैंड की कैप्टन सोफी डिवाइन, जिनको RCB ने मात्र 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तीसरी प्लेयर है न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया कर, जिनको मुंबई इंडियंस ने मात्र 1 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। ये भी एक स्टील डील ही है मुंबई इंडियंस के लिए। चौथी प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मैग लैनिंग, जिनको मात्र 1.1 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है और मोस्ट प्रोबेबली ये कैप्टेंसी करती हुई नजर आएंगी, तो ये भी एक स्टील डील रही है। पांचवी प्लेयर है इस लिस्ट में हैली मैथ्यूज, जिनको मात्र 40 लाख में मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन के लास्ट राउंड में खरीदा है। ये बहुत बड़ी स्टील डील है, काफी तगड़ी प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से गेम चेंज करती है। इसके बाद अगली प्लेयर है मेगन शूट, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, जिनको RCB ने मात्र 40 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। ये ऑक्शन के एकदम एंड में RCB ने खरीदा था जब कोई टीम के पास पर्स इतना बचा नहीं था। इसके बाद अगली प्लेयर है इंडियन स्पिनर पूनम यादव, जिनको 30 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है, ये भी एक स्टील डील है। इसके बाद लॉरा हैरिस, इनको दिल्ली कैपिटल्स ने मात्र 45 लाख में खरीदा है। इसके बाद अगली प्लेयर है राजेश्वरी गायकवाड़, जो अभी भी इंडियन टीम में खेल रही है और बहुत ही अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिनर मानी जाती है, जिनको मात्र 40 लाख में यूपी वॉरियर्स की टीम ने खरीदा है, तो ये भी एक स्टील डील रही है। इसके बाद लास्ट प्लेयर है साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर डैन वैन निकर्क, जो अभी इनकी नेशनल टीम में नहीं खेल रही है। सरप्राइजिंगली उनको इस T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं किया गया था फिटनेस इश्यूज के चलते, लेकिन यहाँ पे RCB ने बाजी मार ली है, उनको मात्र 30 लाख में अपनी टीम में शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टील डील कह सकते हो आप, क्योंकि मजी हुई ऑलराउंडर है और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी डील रही है RCB के लिए इनको इतने कम पैसों में अपनी टीम में शामिल करना। दोस्तों ये टॉप 10 ऐसे खिलाड़ी थे जिनको बहुत ही किफायती दामों पे WPL की सभी पांचों टीम्स ने अपनी अपनी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से सबसे बढ़िया डील कौन सी प्लेयर की रही, कौन सा प्लेयर आपको एक्सपेक्टेड था बहुत ही महंगा जाने वाला था, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने क्रिकमैच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।